उर्फी जावेद आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। उनके लुक सोशल मीडिया पर आए दिन बवाल मचाते ही रहते हैं। पिछले दिनों वो सिर्फ फूले से बनी स्कर्ट पहने नजर आई थी, जिससे वो काफी ज्यादा ट्रोल भी हुई थी। उर्फी जावेद जब सिर्फ फूलों से बनी स्कर्ट पहने नजर आई तो लोगों ने उन्हें रमजान के पाक महीने में ऐसी चीजें ना करने की हिदायत दी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि उर्फी ने इस तरह का बोल्ड लुक अपनाया हो। इससे पहले भी वो कई बार टॉपलेस होकर कैमरे के सामने आई है और आज हम आपको उन्हीं पोस्ट के बारे में बताएंगे। इस साल की शुरुआत में ही उर्फी ने अपने चाहने वालों और ना चाहने वालों को तगड़ा झटका दिया था। लंबी सी चोटी में आकर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो सिर्फ चोटी में लिपटी हुई नजर आ रही थी और अपने अंग को उन्होंने हाथ और चोटी से ही ढका था। उर्फी ने कपड़े के नाम पर सिर्फ अंडरवेयर पहना था और हाई हील्स कैरी की हुई थी। उर्फी ने इस फोटोशूट में अपना नाश्ता बिल्कुल ही अजब स्टाइल से दिखाया था। इस वीडियो में वो नाश्ते की प्लेट और जूस का ग्लास पकड़े नजर आ रही थी। हैरानी की बात तो यह थी कि इस वीडियो में वो टॉपलेस थी और नीचे सिर्फ स्कर्ट पहन रही थी, जिसके साइड से मैश पैटर्न बना हुआ था। इस वीडियो में उन्होंने गले में स्टेटमेंट नेकलेस डाला था, लेकिन टॉप के नाम पर कुछ भी नहीं पहना था। उर्फी जावेद ने इस बार अपने बदन या यूं कहें प्राइवेट पार्ट को छिपाने के लिए जाम का सहारा लिया। इस वीडियो में भी वो टॉपलेस ही नजर आई और लोगों को अपने लुक से चौंका दिया। इस वीडियो में तो उनके बदन में एक भी कपड़ा देखने को नहीं मिला। दिवाली के एक दिन पहले भी उर्फी जावेद अपना बोल्ड लुक दिखान से नहीं कतराई। उन्होंने दिवाली से एक दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो कपकेक खाती नजर आ रही है। इस वीडियो में वो मरून रंग का घाघरा पहने तो नजर आई, लेकिन टॉप के नाम पर उनके बदन पर कुछ ना दिखा। उन्होंने बालों को खुला रखा था और साइड टेबल पर दिए जल रहे थे।